हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बोर्ड जो परीक्षा चल रही है 2020 की, तो रसायन विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 100% इन्हें तैयार ज़रूर करें। रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो पेपर है ये खंड ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, कितने परमाणु पाए जाते हैं। ये आपको परमाणु बताने हैं जो दो दिए गए हैं इसके अंदर, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका के अंदर और काय केंद्रित घनीय कोष्टिका के अंदर। जो दो प्रकार की जो कोष्टिकाएं दी गई है यहाँ पर, फलक केंद्रित और काय केंद्रित, इन दोनों कोशिकाओं में कितने परमाणु पाए जाते हैं, उन परमाणुओं को यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। या सेकेंड क्वेश्चन है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके दिए गए विलयन के लिए नॉर्मलता तथा मोलरता, इसके अंदर आपको संबंध बताना है। तो दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थर्ड है इसका। दो औद्योगिक विधियों के नाम लिखिए, दो औद्योगिक विधियों के नाम लिखिए जिनमें विषमांग उत्प्रेरण काम में लिया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत विषमांग उत्प्रेरक का काम किया जाता है, ये उस विधियों का नाम लिखना है आपको। चौथा है, दुर्लभ मृदा धातु तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो दुर्लभ मृदा धातु होती है वो जो पष्ट होता है ब्लॉक वो होता है, तो दोस्तों आपको उसका सामान्य सूत्र लिखना है जिसके अंतर्गत वो आती है धातुएं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो पष्ट आता है वो आपको इस ब्लॉक का जो है सामान्य सूत्र लिखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सामान्य सूत्र तो SPDF जो ब्लॉक होते हैं उनका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है, इन चार आयनों में से आपको बताना है कि कौन सा आयन रंगीन है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको मिल जाएगा परीक्षा में। नेक्स्ट है, अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय के लिए CFSE में क्या संबंध होता है। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के लिए CFSE में जो संबंध होता है वो संबंध आपको इस वीडियो में, इस पेपर में, इस प्रश्न में आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक एक नंबर के खंड ए के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ए का, ए व बी में किस प्रकार की नाभिका जो अभिक्रिया है वो कौन कौन सी शामिल है, उन अभिक्रियाओं को आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों पहली ए दी गई है, दूसरी जो अभिक्रिया है वो बी दी गई है। तो नाभिक रागी जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है वो लिखनी है यहाँ पर। जो ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो मैथिल ब्रोमाइड दिया गया है इसकी अभिक्रिया KOS के विलयन से कराई जा रही है, जलीय विलयन से। एक्वस दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है मैथेनॉल, जो एल्कोहल बन रहा है यहाँ पर मैथिल एल्कोहल ये बन रहा है, और पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर की जो अभिक्रिया दी गई है उसमें भी आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 90 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो है, जब क्लोरोबेंजीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट होती है जो पूछी जाती है, जब क्लोरोबेंजीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaOH के साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो क्लोरोबेंजीन होता है ना उसकी संरचना होती है ये, आप वीडियो में जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा देते हैं, तो इसकी अभिक्रिया जब NaOH के साथ
300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ये पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिल रहा हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आप कैसे एक चरण के अंदर सोडियम एसीटेट को CH4 में बदलोगे। तो दोस्तों सोडियम एसीटेट का जो सूत्र होता है वो होता है, आप देख सकते हैं, फिर आप वीडियो में आप अपनी उसके बुक के अंदर निशान लगा लेना, जो एसीटेट का सूत्र होता है वो होता है ये सोडियम एसीटेट का। तो इस सोडियम एसीटेट को आप डायरेक्ट CH4 में कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ जो कुछ उत्प्रेरक आएंगे, जो भी आएंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सोडियम एसीटेट का सूत्र हम आपको वीडियो में क्लियरली आपको शायद दिख रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खंड इकाई है, उस बहुलक के निर्माण की अभिक्रिया लिखनी है आपको जो पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रल युक्त 3 कार्बन वाले यौगिक, नाइट्रल भी उपस्थित हो और 3 कार्बन हो वाला यौगिक होना चाहिए, जो योगात्मक बहुलीकरण से बनता है, जिसका उपयोग औद्योगिक रेशे के निर्माण में होता है। तो दोस्तों 3 कार्बन होने चाहिए और उसका जो उपयोग है रेशों के निर्माण में होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा वो बहुलक है और उसकी अभिक्रिया भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन है, खंड ए का ही, विपक्ष 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और वह समपक्ष 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में कौन सा ध्रुवण जो घूर्णक है वो प्रदर्शित होता है। तो ध्रुवण घूर्णक कौन कौन से प्रदर्शित होते हैं इनके अंतर्गत, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन है खंड ए का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक परिरक्षक का आपको नाम लिखना है जो डिब्बा बंद भोजन में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन युक्त चिप्स की थैलियों में, वो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उन्हें बचाने के लिए, वो भी एक परिरक्षी का कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो नाइट्रोजन भी आप लिख सकते हो। तो डिब्बा बंद युक्त जो भोजन होते हैं उनके अंतर्गत वो खराब नहीं हो इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर N2 भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम खंड बे के क्वेश्चनों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में। 14वें नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर दो दिए गए हैं क्वेश्चन, आयनिक ठोसों, धातुओं, अर्ध जो चालक होते हैं उनमें विद्युत चालकता का क्या कारण है। आयनिक ठोसों, धातुओं और अर्धचालकों के अंदर, तीनों के अंदर विद्युत चालकता का क्या कारण है जो विद्युत का चालन होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है एफ केंद्र क्या होता है, एफ केंद्र क्या होता है इसकी आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, समान विलेय वाले 1 मोलर तथा 1 मोलल विलयन में किसकी सांद्रता अधिक होगी। तो दोस्तों आप जानते हो कि रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है इसके अंदर थोड़े क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप गहराई से अध्ययन जरूर करें। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन जो ग्लाइकोल है C2H6O2 के मोल भिन्न ज्ञात करने हैं आपको, ये न्यूमेरिकल दिया गया है, आप देख सकते हैं मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी है, आप अपनी बुक में से ढूंढकर इस न्यूमेरिकल को जरूर से जरूर तैयार करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए, और सेकंड है सीसा संचायक सेल में सेल को आवेशित करने के दौरान होने वाली जो अभिक्रिया है उसको लिखनी है। तो आपको ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाना है और सीसा संचायक सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिया गया है 2 नंबर का, खंड बे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं 0.002 mM एसिटिक अम्ल की विशिष्ट चालकता ये दी गई है, यदि एसिटिक अम्ल जो ये दिया गया है इसकी वियोजन की मात्रा की आपको गणना करनी है। तो दोस्तों 2 अंक का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में इसे जरूर तैयार करें, ऐसे न्यूमेरिकल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का, पहले नंबर 18वें भी आपको भी दो दिए गए हैं, देखिए किस प्रकार के अयस्कों के सांद्रण हेतु झाग प्लवन विधि। तो झाग प्लवन जो विधि है कौन से प्रकार के अयस्कों के सांद्रण में इसको काम में लेते हैं, उस
उन अयस्कों का आपको यहाँ पर नाम बताना है और इन अयस्कों के आपको दो उदाहरण भी देने हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम तथा जिरकोनियम वोन ओरकेल विधि। ये वोन ओरकेल विधि इससे किस प्रकार से आप शुद्ध कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। खंड बै के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 19वें नंबर का क्वेश्चन है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिए गया है। तो दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संकुलों का IUPAC नाम लिखिए। ये तो हमेशा ही जो IUPAC नाम है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला देखिए इस तरीके से ये है और दूसरा जो कार्बनिक यौगिक है इस तरीके से है संकुल, इनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न उप सह संयोजक यौगिकों का सूत्र लिखिए। तो इनका आपको सूत्र लिखना है इस तरीके से। तो ये दिए गए आप देख सकते हैं वीडियो में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक कर। 20वें, अब इनको तो मैं बोल नहीं सकता। 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों इन यौगिकों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आप अपनी बुक में इन्हें नोट जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है IUPAC नाम। जो 19वें 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, 4 नंबर का ये IUPAC नाम से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वें नंबर का। देखिए दोस्तों 21वें नंबर में भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ये रसायन विज्ञान है इसके अंदर हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलेंगे। बहुत बड़ा पेपर आता है लेकिन क्वालिटी का पेपर आता है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। 21वें में जो दो प्रश्न दिए गए हैं वो है, फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है, ये भी आपको कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। या तो आप कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए या फिर इसके अथवा में दिया गया है आप देख सकते हैं, वुल्फ किस्नर अपचयन को समझाइए। जो पूरी विधि है वुल्फ किस्नर अपचयन की वो आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट है 22वें नंबर का, क्या एक समबहुलक योगात्मक व संघनन दोनों प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। क्या एक सहबहुलक योगात्मक व संघनन दोनों प्रकार से निर्मित किया जा सकता है ये भी आपको बताना है। यदि निर्मित किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है वो भी आपको बताना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट 23वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दो दिए गए हैं, विवरिम समावयवी क्या होते हैं उदाहरण लिखो। पहले तो आपको विवरिम समावयवी की परिभाषा देनी है फिर आपको उदाहरण देना है। नेक्स्ट है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसकी आपको परिभाषा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दैनिक जीवन में जो रसायन होते हैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन। देखिए खंड ब का अंतिम क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन में रसायन में से पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रतिस्टामिन किस प्रकार कार्य करते हैं, किसी एक प्रतिस्टामिन का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जो उदाहरण दिए गए हैं आपको उनकी संरचना भी शायद दी गई होगी उदाहरण के रूप में ही, तो उन संरचनाओं को यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण पूछ रहे हैं काफ़ी जो प्रतिस्टामिन होता है वो यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट है इसका ही, नींद उत्पन्न करने वाले किसी एक बारबिट्यूरेट की संरचना लिखिए। तो दोस्तों संरचना भी पूछी जाती है दैनिक जीवन में रसायन में से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं खंड सह के क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों देखिए खंड सह के जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन है खंड सह के, देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है इसका, इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, अधिशोषण तथा अवशोषण में क्या मूल अंतर है, मूल अंतर समझाना है केवल आपको और उदाहरण भी देना है। नेक्स्ट है ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टार्च के 2 घटकों के नाम लिखिए, ये 2 संरचना में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक का है। और इसके अंदर 2nd क्वेश्चन है वो है, आप ग्लूकोज अणु में OH समूह की पहचान कैसे करोगे। तो दोस्तों ग्लूकोज के अंदर जो OH समूह पाया जाता है उसकी आप पहचान कैसे करोगे, उस विधि को आपको यहाँ पर लिखना है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वीडियो में 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको, निम्न परिवर्तनों को पूर्ण कीजिए। तो कौन कौन से परिवर्तन है इसकी आपको अभिक्रिया लिखनी है। पहली है कि नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको संरचना बना देता हूँ यहाँ नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन होता है ये इस तरीके से, इस नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है।
ये आप कैसे प्राप्त करोगे? दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको यहाँ पर संरचना भी अंकित कर रहा हूँ, तो इन यहाँ इससे आप डायरेक्ट ये कैसे प्राप्त करोगे। तो दोस्तों जो भी विधि है मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। जो एन ओ थ्री है, इस ओ थ्री की जगह आपको एच करना है, मतलब आपको एनालिन बनाना है। नाइट्रोबेंजीन को आपको एनिलीन में परिवर्तित करना है, फिर एनिलीन की जो अभिक्रिया दी गई है आपको मिल जाएगी आपके सिलेबस में, उससे आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हो, क्योंकि आपको उस नाइट्रोजन संबंधित उठाना है और कार्बन वाला भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आप कैसे चेंज करोगे, जो भी स्टेप होंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो दोस्तों देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर सी एल जोड़ दीजिए, इससे आप पैरा क्लोरो मतलब कि यहाँ पर क्लोरो एनालिन का मतलब होता है ये एन एच टू, ये आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो दोस्तों आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आई पी सी नाम लिखिए, आई पी सी नाम हर बार आ रहे हैं दोस्तों, आई पी सी नाम आप ज़रूर तैयार करें। आप इन दोनों संरचनाओं को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आई पी सी नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप ये नहीं करते हो तो आप इन अथवा वाले क्वेश्चनों को कर सकते हो, जिसके अंदर पहला दिया गया है निम्न परिवर्तनों को आप कैसे पूर्ण करोगे, उसी तरीके से दिया गया है जिसमें एनिलीन से आप पैरा ब्रोमो एनिलीन किस प्रकार से प्राप्त करोगे। देखिए दोस्तों एनिल की एनिलीन जो होता है उसकी संरचना होती है ये, और आप पैरा ब्रोमो एनिलीन किस प्रकार से प्राप्त करोगे ये आपको बताना है, कि पैरा ब्रोमो एनिलीन आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। और दूसरा दिया गया है ये इनको आपको अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संरचना लिखिए एन मेथिल एथेनेमीन और सेकंड है टू एमिनो टोलुइन, तो इसकी आपको अभिक्रिया वो संरचना लिखनी है। तो दोस्तों टू एमिनो टोलुइन की संरचना तो मैं बना देता हूँ, बाकी संरचना आप अपनी बुक में से देखिए। टू एमिनो दूसरी पोजिशन पर एमिनो समूह है, यहाँ पर एन एच टू लगा दीजिए और यहाँ पर टोलुइन है तो सी एच थ्री लगा दीजिए, इसकी संरचना तो ये बन जाएगी डायरेक्ट, आप देख सकते हैं वीडियो में, और पष्ट की आप अपनी बुक में से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 नंबर का, जिसके अंदर ए दिया गया है अभिक्रिया की दर से आपका क्या तात्पर्य है, अभिक्रिया की दर का एक मात्रक लिखिए। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया अभिक्रिया 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O के लिए निम्न की गणना करो, कौन किस किस की गणना करनी है आपको, NH3 के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है और H2O के निर्माण होने की दर ज्ञात करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें जरूर याद करें। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है प्रथम कोटीय अभिक्रिया को परिभाषित करें, दर्शाइए कि एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ये न्यूमेरिकल दिया गया आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों 29वें नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया निर्माण हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए, तो अमोनियम क्लोराइड से आप अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से करेंगे आप इसे अपनी नोटबुक में लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है Cu2+ तथा Ag+ आयनों की पहचान में अमोनिया के अनुप्रयोग के रासायनिक समीकरण लिखिए। नेक्स्ट है अमोनिया निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए, इसके अथवा के अंदर दिए गए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं वीडियो में। औद्योगिक स्तर पर SO2 निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट है SO2 को जलन से गुजारने पर क्या होता है। नेक्स्ट है SO2 की अपचायक प्रवृत्ति दर्शाने वाली अभिक्रिया लिखिए। और लास्ट है विषम लंबाक्स सल्फर की वलय संरचना दर्शाने वाला चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। तो दोस्तों ये 29वां में अथवा में दिए गए हैं, रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री का पेपर है, इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप दोस्तों देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर भी आपको अथवा में मिलेंगे, एक प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है जीसल विधि से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मेथेन से ज़्यादा क्यों होता है, ये होते हैं क्वालिटी वाले क्वेश्चन, आप इनको गहराई से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है, इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल का IPAC नाम लिखिए, IPAC नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बताइए। नेक्स्ट है फिनोल की अम्लीय प्रकृति को बताइए। नेक्स्ट है जब फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों फिनोल की अभिक्रिया जब थैलिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, ऑर्थो क्रिसोल का IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों IUPAC बहुत सारे IUPAC नाम है जो है इस पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों IUPAC नाम आप ज़रूर तैयार करें। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।